Hello everyone, I hope you all are well. So in my last class, I have discussed your HS first year English syllabus in front of you. And in my today's video, I'm going to discuss the very first chapter from your main textbook, that is from your Hornbill book. And the name of the chapter is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Okay, so Khushwant Singh is a literary critic and a novelist. And in this story, The Portrait of a Lady, he tries to draw an imaginary picture or imaginary portrait of a lady. And who is a lady? The lady is his grandmother. It is an autobiographical story written by Khushwant Singh. And in this story, we will see that what was the relationship between Khushwant Singh and his grandmother, and how the relationship changed when they moved to a new city. So here are some new words. यहाँ पे कुछ new words दिए गए हैं, हमने लिखा है आप लोगों के लिए, जो कि first paragraph में आता है. First one is wrinkled. That means having lines or folds. Next one is turban, means man's head covering. Next one is mantelpiece. That means a structure of wood or marble or stone above or around a mantel, around a fire. Next one is locks. That means hair. So these are some new words जो कि हम लोगों को first paragraph में मिलेगा. तो अभी चलते हैं हम लोग paragraph की ओर. तो in the very first paragraph, खुशवंत सिंह अपने दादी माँ और अपने दादाजी के बारे में बोलते हैं. तो पहले वो ये बोलते हैं कि उनकी जो दादी माँ हैं, लोग कहते थे कि उनके दादी माँ कभी कभार बहुत जवान थी, उनके बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे, जो कि उनके लिए मानना बहुत मुश्किल था. वो ये मान ही नहीं पाते थे कि वो जो लोग कहते हैं कि उनकी दादी माँ कभी कभार बहुत सुंदर थी, जवान थी, और उनके हस्बैंड थे और वो उनके बच्चे भी थे, उनके लिए मानना बहुत मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? लाइक हिज ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन. जैसे कि हम लोग जब अपने ग्रैंड मदर के बारे में सोचते हैं तो एक ही इमेज हम लोग के दिमाग में आता है कि वो औरत बहुत बुढ़ी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वगैरह वगैरह. तो लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो ए ओल्ड वीमेन. उनके जो दादी माँ थे वो भी, जैसे कि हमेशा सब लोगों की दादी माँ होती है, वैसे ही बूढ़ी औरत थी. तो इसलिए उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि उनके दादी माँ जवान थी कभी कभार, और उनके हस्बैंड थे और उनके पति भी थे, क्योंकि उनकी अपीयरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आई थी इस 20 सालों में. तो ये थी उनके पहले जो अपनी दादी माँ के बारे में बोल रहे थे. नेक्स्ट जो है वो खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में बोल रहे होते हैं. तो ये ऐसे बोलते हैं कि उनके दादाजी गुजर चुके होते हैं और उनके दादाजी का जो पिक्चर है वो मेंटल पीस जो है, मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ होता है. तो मेंटल पीस क्या है? मेंटल पीस है ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड और मार्बल और स्टोन अबव और अराउंड द फायर प्लेस. आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा होगा कि जो ठंड एरिया होती है, ठंड प्लेसेस जो होती है, वहाँ पे रूम को गर्म रखने के लिए क्या होता है, एक कॉर्नर पे या फिर लिविंग रूम पे या फिर बेडरूम पर कॉर्नर पे, यहाँ पे आग जला हुआ होता है. तो आग जलता है नीचे, ऊपर ऊपर में एक सेल्फ रहता है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ होता है. दिस इज़ कॉल्ड मेंटल पीस. ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड और मार्बल और स्टोन अबव और अराउंड ए फायर प्लेस इज कॉल्ड मेंटल पीस. तो उनके दादाजी का जो पिक्चर है वो ड्रॉइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ होता है. और वो अपने दादाजी के डिस्क्रिप्शन ऐसे देते हैं कि उनके जो दादाजी है वो जो पिक्चर देख रहे हैं, वो देखकर बोलते हैं, उनके दादाजी को देखकर लग रहा है कि उनका जो एज है वो 100 साल से भी ज्यादा लग रहा है. और दूसरी बात ये है कि उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके भी कभी कभार चाइल्ड थे, बच्चे थे, उनके पत्नी थे और वो भी कभी जवान थे. तो ये दो कनेक्शन है अपनी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर की, वो दोनों ही उनके लिए मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दादी जी को वो जैसे देख रहे थे 20 साल से वो ऐसे ही हैं, और दादाजी जिनका पिक्चर लगा हुआ है वो 100 साल के लग रहे थे. और एक बात मैं भूल गई हूँ बोलना, उनके जो बियर्ड है वो अपने पूरा छाती तक कवर कर चुका है, और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके बच्चे नहीं, उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे. तो ऐसे है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं पहले पैराग्राफ में अपनी दादाजी और अपने दादी जी के बारे में. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बोलते हैं कि अपनी दादी माँ कैसे थी. तो वो स्लाइटली बैंड थी, उनके फेस पर रिंकल थे. रिंकल मैंने बोला है यहाँ पर, हैविंग लाइन्स और फोल्ड्स, दैट मीन्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन फेस,
जिसको हम क्रिस क्रॉस भी कहते हैं, वो स्लाइटली बैंड थी, उनके चेहरे पे क्रिस क्रॉस लाइंस थे, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन वो अंदर से बहुत सुंदर थी। एक लाइंस आप लोगों के चैप्टर पे यहाँ पे दिया गया है कि शी कुड नेवर बीन प्रीटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल। यहाँ पे प्रीटी एंड ब्यूटिफुल दो वर्ड यूज़ किया गया है। प्रीटी मतलब है जो आउटर ब्यूटी, आउटर अपियरेंस, एंड ब्यूटिफुल मतलब है जो इनर ब्यूटी। तो उनके दादी माँ बिल्कुल भी बाहर से बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि अंदर से वो बहुत सुंदर थी। उनका जो सिल्वरी लॉक्स है वो स्केटर्ड ओवर हर फेस, और उनका जो फेस है वो पूरा एकदम पकर्ड फेस, पेल फेस जैसा, मतलब वाइटिश हो जाता है। हम लोगों के स्किन पे नॉर्मली जवान लोग जो है, यंग जो है, उन लोगों की स्किन पे ग्लो रहता है, लेकिन इंसान बूढ़े होने के बाद जितना भी वाइट हो जाता क्यों नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहता है। तो वही बोल रहे होते हैं खुशवंशी के अपनी दादी माँ के बारे में कि उनके जो पकर्ड फेस है, पेल फेस है, वो फेस के ऊपर एकदम उनका सिल्वर लॉक्स पूरा स्केटर्ड हुआ होता है, उनका जो हेयर है वो पूरा ऐसा फैला हुआ रहता है, और वो हेयर जो है वो पूरा अनटिडी होता है, बिल्कुल भी टाई अप नहीं किया होता है। तो यहाँ पे वो अपने दादी माँ की अपीयरेंस के बारे में बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि वो जो मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वो कैसे मूव करती है, अपनी एक हाथ को यहाँ पे कमर पे ढालकर दूसरे हाथ पर वो रोजारी का मतलब होता है, रोजरी बीट्स मतलब का, ये इसका मतलब होता है जो बीट्स है, हम लोग जपमाला कहते हैं जिसको, जिसे हम लोग रिलीजियस काउंट करते हैं, मतलब रिलीजियस प्रेयर्स काउंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि रोजरी बीट्स। तो एक हाथ पर अपनी रोजरी बीट्स, दूसरे हाथ को अपनी कमर पे ऐसे ढालकर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है। तो अनयूजुअल ऑकवर्ड वे से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, ये भी बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी थी, उनके पास जाने के बाद एक शांति सा उनको मिलता था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनके और उनके दादी माँ के बीच जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था, लाइक दे वर गुड फ्रेंड्स। जब उनके पेरेंट्स खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उनको विलेज पे छोड़कर वो लोग टाउन पे चले गए, सिटी पे चले गए सेटल होने के लिए, तब खुशवंत सिंह के दादी माँ उनको केयर करती थी, उनको सुबह नींद से उठाती थी, फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी, वो नहाती थी उनको, और जब वो ऐसा कर रही होती थी तो खुशवंत सिंह के कानों के पास जाकर वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को सिंग करती थी। लेकिन खुशवंत सिंह उनको अच्छा लगता था, क्योंकि उनके दादी माँ तो उनके लिए बहुत प्यारी थी, और उनके जो वॉयस है वो बहुत अच्छा था, तो खुशवंत सिंह को अच्छा लगता था, वो सुनते थे, लेकिन ही नेवर बॉदर्ड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि वो जो बोलती थी, वो जो कानों के सामने बोलती थी, उनको वो सीखे, क्योंकि दादी माँ इस इंटेंशन में उसके कानों के पास आकर बोलती थी कि वो खुशवंत सिंह को सुनाई देगा और खुशवंत सिंह इसको सीख लेगा। लेकिन खुशवंत सिंह ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते थे सीखने के लिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता था, बस यही तक ही, लेकिन सीखने का कभी प्रयत्न भी नहीं करते थे। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या होता है, स्कूल के लिए रेडी करते हैं, स्लेट को प्लास्टर करते हैं, चौक को बंडल करते हैं, और स्टेल मतलब होता है जो फ्रेश नहीं होता है। तो चपाटीज का मतलब होता है रोटी या फिर ब्रेड। स्टेल चपाटीज को क्या करते हैं, उसमें बटर लगा कर फिर शुगर स्प्रेड कर वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे, और चार पांच या छः सात जितने भी हो उतने चपाटीज को वो लोग बंडल करते हैं, और करके विलेज डॉग्स के लिए, जब वो स्कूल जा रहे होते हैं खुशवंत सिंह को लेकर अपनी दादी माँ, तो विलेज डॉग के लिए वो और एक बंडल ऐसे टाई अप करती है, जैसे रास्ते में जितने भी विलेज डॉग मिलेंगे उनको देने के लिए। तो ऐसे ही उनका डेली चल रहा था जब खुशवंत सिंह को अपने पेरेंट्स विलेज पर छोड़ के गए दादी माँ के साथ। तो खुशवंत सिंह की जो स्कूल थी वो दादी टेम्पल जो है टेम्पल से अटैच्ड थी। इस पैराग्राफ में खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो दादी माँ उनको लेकर स्कूल जाती थी, वो क्यों जाती थी, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच्ड था, और जब खुशवंत सिंह अपने पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो खुशवंत सिंह की दादी माँ वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती है। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स, ओके, रिलीजियस बुक्स, वो टेम्पल के अंदर बैठकर पढ़ रही होती है। और जब वो लौटने के वक्त
जब उसका उनका लेसन ख़त्म हो जाता है लौटने के वक्त, वो जो स्टील चपाटीज वो ले जाते हैं विलेज डॉग्स के लिए, वो लौटने के वक्त वो विलेज डॉग्स को दे कर आते थे। तो ऐसे ही उनका डेली रूटीन चल रहा था। जब उन खुशवंत सिंह का पेरेंट्स कंफर्टेबली दे सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंड फॉर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। तो ये जो चेंजेस यहाँ पे उन लोगों का उन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फ्रेंडशिप, सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। तो दे शेयर द सेम रूम, बट खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ स्कूल जाना उस वक्त बंद हो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है विलेज पे तो छोटा एरिया है, वहाँ पे बच्चों को कोई भी स्कूल लेकर जाता है, लेकिन सिटी पे स्कूल बस से ही वो लोग स्कूल जाया करते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का जो रिलेशनशिप है वहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि दादी माँ जो जितने वक्त वो खुशवंत सिंह के साथ बिताती थी, अब वो वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो वो स्कूल जाते, खुशवंत सिंह स्कूल जाते रहे थे, तो दादी माँ जब वो घर पे आते थे, खुशवंत सिंह दादी माँ पूछती थी कि तुमने आज क्या पढ़ाई किया है, तो खुशवंत सिंह साइंस के बारे में बोलते हैं, इंग्लिश के बारे में बोलते हैं, बोलते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है उन्होंने, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है। तो दादी माँ को वो लोग ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नहीं समझ पाती थी और कोई हेल्प भी नहीं कर पाती थी खुशवंत सिंह की, तो बहुत अपसेट हो जाती है। और एक दिन ऐसा भी होता है, खुशवंत सिंह जब स्कूल से लौटते हैं तो दादी माँ पूछती है कि आज तुमने क्या पढ़ाई किया है स्कूल पे, तो खुशवंत सिंह रिप्लाई करते हैं कि आज खुशी होकर रिप्लाई करते हैं कि आज उन लोगों ने म्यूजिक लेसन्स सीखा है। तो ये सुनकर दादी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फॉर हर म्यूजिक इज़ नॉट फॉर जेंटल फॉक्स, म्यूजिक इज़ फॉर ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उनका जो मन ही मन वो बहुत दुखी हो जाती है कि स्कूल पे म्यूजिक लेसन्स भी सिखा रहे हैं टीचर्स। इस पैराग्राफ में खुशवंत सिंह बोल रहे होते हैं कि व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही चेंज्ड हिज रूम। तो अब तक तो खुशवंत सिंह एंड उनके दादी माँ एक ही रूम पे रहते थे, और जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए उनका जो रूम है वो चेंज होता गया हो गया। तो यहाँ पे उनका जो कमन एक लिंक था फ्रेंडशिप का, वो ब्रेक हो गया, क्योंकि होता है ना रात पे ऐसे सोते वक्त भी हम लोग बातें कर रहे होते हैं, तो इतने दिन तक चलो सिटी पे आने के बाद चलो बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ नहीं जा सकी, तो रात पे बातें तो कर सकूंगी, तो वो बातें कर रही होती है, ऐसे पूछ रही होती है स्कूल पे क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब यूनिवर्सिटी चले गए खुशवंत सिंह, तो उनके लिए दूसरा कमरा अपने पेरेंट्स ने अरेंज कर दिया, और उनका जो फ्रेंडशिप है, उनके कमन लिंक जो फ्रेंडशिप का, वो ब्रेक हो गया। तो दादी माँ ने कुछ नहीं बोला, साइलेंटली उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरा तो करने का कुछ भी नहीं है। तो खुशवंत सिंह ऐसे उनका जो रिलेशनशिप हो वो चेंज हो गया। तो दादी माँ जो थी उनकी पूरी दिन, पहले तो वो टेम्पल जाती थी, जब विलेज पे होती थी तो टेम्पल जाती थी, कुत्तों को खिलाती थी, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील पे बैठती थी शाम तक। और उनके लिए सबसे अच्छा आवर जो है, वक्त जो है, वो शाम का था, क्योंकि वो शाम के वक्त वो बरंदा में बैठती थी, और बैठकर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ आते थे और उनको वो खिलाती थी, स्पेरोज आते थे और उनको वो ब्रेड क्रम्स जो है, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके वो खिलाती थी। उनके लिए उनका फेवरेट आवर जो है वो हाफ एन आवर थी दिन का, वो हाफ एन आवर उनके लिए बहुत अच्छा वक्त वो बिताती थी ऐसे ही। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो जब डिसाइड करते हैं कि वो उनको अब एब्रॉड जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं, तो उनके मन में यही आता है कि 20 साल से अपनी दादी माँ को ऐसे ही देख रहे हैं, वो लौटने के बाद उनको दादी माँ, उनकी जो दादी माँ वो छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, उनके दादी माँ के साथ फिर से मुलाकात नहीं होगी। वो ऐसे ही सोच रहे थे कि उनकी दादी माँ गुजर चुकी होगी, और लेकिन दादी माँ को ऐसे बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि उनके जो उनका जो फ्रेंड है चाइल्डहुड, वो खुशवंत सिंह और दादी माँ, हम लोगों को पता है कि वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड उनका ग्रैंडसन उनको छोड़ के चला जा रहा है, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा ही लग रहा था। तो वो सब अपने पेरेंट्स के साथ
खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के साथ दादी माँ भी उनको सी ऑफ करने स्टेशन आई थी, तो एक दूसरे को वो हग कर रहे थे, किस कर रहे थे, तो दादी माँ की बारी आई, दादी माँ ने भी उनको हग किया, किस किया, और खुशवंत सिंह को लग रहा था कि उनका जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उनके दादी माँ के साथ, यही लास्ट कॉन्टैक्ट है, उनको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह फिर वापस आए तो उनके दादी माँ वैसे ही दिख रही थी जैसे वो 5 साल पहले दिख रही थी। उनके अपियरेंस में या फिर उनके जो वो मोनोटोनसली क्या करती थी पता है, वो कंटिन्यूसली प्रेयर करती थी, और वो प्रेयर वो जो लौटे उस दिन बिल्कुल भी उस खुशवंत सिंह को ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके ग्रैंडसन 5 साल बाद फिर से वापस आया है, खुशी हो रही है, दादी माँ को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। एज इज वेल जैसा वो 5 साल पहले था वैसा ही 5 साल बाद सेम उस दिन भी वैसा ही था। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन के लिए भी वो जो वो दादी माँ के लिए खुशी का वक्त था, वो खुशी का वक्त वही हाफ एन आवर था जब वो स्पेरोस को बरंदा में ब्रेड क्रम्स दे रही होती है। अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने शाम को पूरे विलेजर्स के जितने भी लेडीज़ थे उन लोगों को बुलाया, ड्राम के साथ कि ड्राम लाओ, ये लाओ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उन लोगों को बुलाया, और पूरा दिन शाम को वो पूरा ड्राम बजाती रही, गाना गाती रही। वॉरियर्स के आने के बाद जो गाना गाया जाता है वही गाना वो गा रही थी। बहुत ही प्रोटेस्ट किया खुशवंत सिंह यानी उनके पेरेंट्स ने कि मत करो ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। खुशवंत सिंह बोल रहे होते कि यही एक वक्त था जब जन्म से लेकर आज तक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को देखा था कि दादी माँ ने प्रेयर उस वक्त प्रेयर नहीं कर रही होती है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रेंज मोमेंट था कि दादी माँ ऐसा क्यों कर रही होती है। तो अगले दिन सुबह क्या होती है, अगले दिन सुबह दादी माँ बीमार पड़ जाती है, उनको बुखार हो जाती है, तो उन्होंने लोकल डॉक्टर्स को कॉल किया, लोकल डॉक्टर्स आए और बोले ये एक वायरल फीवर है, चला जाएगा, नॉर्मल फीवर है, चला जाएगा। तो खुशवंत सिंह के दादी माँ ने कुछ अलग तरीके से ये सोची थी, उनको वो बोल रही होती है कि नहीं, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी अंत वक्त आ गई है, मैं और इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तो ये ऐसे सोच रही होती, लेकिन खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते नहीं ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन खुशवंत सिंह की दादी माँ बोल रही होती है कि तुम लोग और मेरे साथ बात मत करो, क्योंकि मैं अपनी जीवन की जो लास्ट मोमेंट है तुम लोगों के साथ बात करके नहीं बिताना चाहती, मैं प्रेयर्स करना चाहती। वो वही रोजारी बीट से अपने जो प्रेयर्स है वो काउंट कर रही होती है, तो बिस्तर पे सोई हुई होती है और काउंट्स कर रही होती है, और पास पे वो खुशवंत सिंह और उनकी पेरेंट्स होते थे। तो खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स को ज़रा से भी शक आए कि क्यों ऐसा बोल रही है, उस वक्त खुशवंत सिंह नोटिस करते हैं उनके फिंगर्स से वो जो बीट्स है रोजरी बीट्स है वो गिर पड़ती है, उनके लाइफलेस फिंगर्स से वो गिर पड़ती है, और वो लोग कन्फर्म होते हैं कि उनके दादी माँ जो है उनके दादी माँ अब नहीं रहे। तो उस वक्त उनके लिए बहुत एक पैथेटिक मोमेंट था कि अभी बात कर रही होती है और अभी उनके दादी माँ नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है, उनके बेड पे थे वो लोग, उनके दादी माँ बेड से वो नीचे उतारते हैं और उसको एक लाल कपड़े से उसको पूरा कवर करते हैं। बहुत देर तक उन लोगों ने शोक मनाई उनके दादी माँ की, फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए वो लोग निकल पड़े। जब वो निकल रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि जितने भी स्पेरोज है जो दादी माँ शाम को उन लोगों को खिलाती थी, वो स्पेरोज पूरा बरंदा में पूरा आकर फैले हुए थे, बैठे हुए थे, और बिल्कुल भी चिरपिंग्स या फिर कुछ भी साउंड्स नहीं कर रहे होते हैं। तो उनके माँ जो खुशवंत सिंह के माँ ने सोचा है कि ऐसा ही यूजुअल होता है, दादी माँ शाम को इस वक्त ऐसे बाहर बैठी हुई होती है और स्पेरोज को फिट कर रही होती है। तो उन लोगों ने उन्होंने क्या किया, ब्रेड क्रम्स को लाई और उसको छोटे छोटे टुकड़ों पर ऐसा किया और उस पूरा जितने भी स्पेरोज यहाँ पर थे उनको दे दिया। लेकिन क्या होता है, वो लोग तो चले जाते हैं अंतिम संस्कार कर लेते हैं उनका, तो लौट कर जब देखते हैं कि एक भी ब्रेड क्रम्स के जो पीसेस है एक भी स्पेरोज ने नहीं खाई है। तो सुबह क्या होती है, सुबह वो स्वीपर आता है और इन सब को पूरा वॉश करके और वो चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट पे देख क्या देखे हमने कि स्पेरोज ने कैसे शोक मनाई खुशवंत सिंह की दादी माँ की गुजर जाने की। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।